दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के, जैसा कि भी स्क्रीन पर देख रहे हैं हम इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्लान होने वाला है और इस डिज़ाइन को मैंने डिज़ाइन किया है एक हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके कहने पर। तो विथ कलर कॉम्बिनेशन पूरा डिज़ाइन मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करने वाला हूँ और एक बेहतरीन सा डिज़ाइन। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता है। इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे और मैं बता दूँ कि हमारे एक फ्रेंड है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस घर को मैंने डिजाइन किया है। तो पूरा डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक स्मार्ट हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें से मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों स्मार्ट हाउस प्लान पर आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाएँ। जब भी आप घर बनवाएं तो एक बार विजिट करें, आपको एक नया आइडिया मिल जाएगा। तो आज का जो प्लान है, सबसे पहले मैं इसका साइज़ बता दूँ, 28 क्रॉस इसका फ्रंट है और 42 इसका पूरा लंबाई है, मतलब कि चौड़ाई है 28 फीट, लंबाई है 42 फीट। तो 28x42 फीट में पूरा बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी होता है। इसमें आपको एक पोर्च भी मिलता है, साथ साथ आपको एक बारंदा टाइप का भी मिलता है, फ्रंट एलिवेशन भी आपको बेहतरीन सा डेकोरेट मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इसका ग्राउंड फ्लोर मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पूरा बेहतरीन सा मॉडल आप मैंने ना दिखाया है। तो सबसे पहले मैं जूम करता हूँ, जैसे आप यहाँ जाएंगे तो आपको स्टेयर्स मिलती हैं जिससे आप ऊपर चलते हैं और ये आपका एक पोर्च लॉन टाइप का मिलता है जो आप इस बेडरूम के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर ये आपको एक ओपन एरिया या जिसे बोल सकते हैं बारंदा टाइप का डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पर डिज़ाइनिंग की वजह से मैंने तीन पट्टी और ये ग्रिल इस्तेमाल किए। यहाँ पर वुडन टेक्सचर दिया है और ये आपका एक विंडो है जिससे आप वेंटिलेशन होगा। ये मेन डोर है जहाँ से आप घर का एंट्री कर पाएंगे। जैसे आप मेन डोर से एंट्री करते तो आप एक बड़े से हॉल में यहाँ पर सबसे पहले एंट्री करते हैं। जैसे गेस्ट क्योंकि यहाँ पर इसकी साइज़ की बात करें तो काफ़ी बड़ा है, लगभग ये 15x15 फुट में पूरा डिज़ाइन मैंने यहाँ पर, ये जो आप कमरा आगे का देख रहे हैं इसको डिज़ाइन किया है। आप यहाँ पर गेस्ट रूम बना सकते हैं, बेडरूम बना सकते हैं कुछ भी, और इसी बेडरूम से होते हुए घर में आप एंट्री कर पाएंगे। इस बेडरूम से आपको फ्रंट में ये जो बेडरूम था इसको भी एक्सेस करने के लिए मैंने यहीं से डोर दिया है और एक इस वाले बालकनी को एक्सेस करने के लिए, सॉरी ये पोर्च के लिए एक्सेस करने के लिए आपको ये विंडो दिया, डोर दिया जिससे आप एक्सेस कर पाएंगे। तो एक विंडो फ्रंट में वेंटिलेशन के लिए लगा रखा। तो जैसे आप यहाँ पर एक हॉल है, हॉल से अंदर जाने के लिए डोर है, आप आ जाते हैं यहाँ पर। तो हॉल के जस्ट पीछे आपका लेटरिन बाथ एक बड़ा सा मिलता है, उसके जस्ट पीछे ये आपका एक बेडरूम मिल जाता है और ये आपका यहाँ पर स्टेयर्स जो कि चढ़ेंगे आप टर्न, यहाँ से चढ़ेंगे और टर्न हो जाएंगे। और इस कॉर्नर पर आपको एक बड़ा सा किचन मिल जाता है और यहाँ पर आपको बीच में आंगन या ओपन स्पेस भी मिलता है। यहाँ पर अपना आप वेंटिलेशन के लिए जाल ऊपर रखवाएंगे जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर घर का होता रहे। तो 3 बेडरूम, स्टेयर्स हैं, किचन, लेट बाथ, पोर्च और आगे का बेहतरीन सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है। ये देखिएगा, मैं और इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, इससे आप इसका रियलिस्टिक व्यू समझ पाएँ इसमें क्या मैंने डिज़ाइन किया है। तो ये तो इसकी ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई, बात करते हैं इसके फर्स्ट। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री, फ्रंट में बेहतरीन सा ग्रिल जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर विंडो कॉम्बिनेशन, ये ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन ग्रिल इस्तेमाल किया है। ये स्टेयर्स को रखने के लिए गुमटी, ओवरऑल मैंने यहाँ पर ये छत बना दी। ये आपका घर कम्प्लीट हो जाता है 28x42 में। मैं जूम करके आपको और दिखा देता हूँ इससे आप इसका रियलिस्टिक व्यू देख सकें। ये दोस्तों जो पोर्च था इस पर मैंने चारों तरफ से जाली लगा रखी, देखिए स्टाइलिश जाल है जिसमें, इसलिए और ये क्लोज्ड हो जाता है बेहतरीन सा और आपका डिज़ाइन खूबसूरत लगने लगता है। मॉडल कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो ऐसे जरूर करें, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। चैनल को, इस मॉडल को नहीं सब्सक्राइब किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।